नमस्कार दोस्तों, अपना डोगरी चैनल दे सारे दर्शकों का मता मता स्वागत है। आज एक खास मलाटी और भी ज्यादा खास बनी गई है, क्योंकि पहली बारी खास मलाटी च एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी मूर्ति आज साढ़े अतिथि बनी है, साढ़े मेहमान बनी है, साढ़े गेस्ट बनी है, इतने मौजूद हैं, जेडे फिल्म उद्योग कन्नै जुड़े दिन, जेडे एक फिल्म एक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा ट्रेन्ड थिएटर दे एक्टर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, और कई प्रतिभा, कई टैलेंट्स इन मौजूद हैं। और बॉलीवुड में इन्हें काफ़ी फिल्मा कीतियां, काफ़ी टीवी सीरियल्स किते, नुक्कड़ नाटक जेडे ने काफ़ी किते, और जेड़ा मेन स्ट्रीम थिएटर है उसने काफ़ी कमाल किया, काफ़ी मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर जाइए इन्हें अपनी कला का लोहा मनवाया, कई बड़े बड़े पुरस्कार सम्मान इन्हें जीते, और इस वेले जिला सूचना अधिकारी जम्मू च अपनी सेवा दिया कर दिन, बहुत अनुभवी ते बहुत गै मजे दे एक अधिकारी ऑफिसर भी हैं, और उन्ने गै मजे दे आर्टिस्ट हैं, थिएटर दे भी और फिल्म दे भी। इंदी अगर मैं तारीफ जानता तारुफ थोड़े कन्नै पूरा डिटेल च कराना लगा, तो मेरे ख्याल से मिगी घट हा घट एक घंटा ओह्दे आस्तै चाहिदा, इन्नियां इन्नियां उपलब्धियां। इस गल्ला मैं सार रूप च इह आखगा कि साढ़े ये डुग्गर दी शान, क्योंकि पिछले दिन 2014 च इंदी एक फिल्म रिलीज होई गीटियां डोगरी च, जिहदे च इन्हें बॉलीवुड दे कई एक्टर्स जेहड़े नु डोगरी फिल्म इंडस्ट्री चाहते, एक इहदी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। और अजे तक दियां जिन्नियां भी डोगरी फिल्मां बनी दियां, सारा कोला ज्यादा वो फिल्म लोगों पसंद की, जी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फिल्म मेकिंग नो यूज की गई, जी बॉलीवुड या हॉलीवुड यूज की जी, काफी अच्छे तरीके करना, आर्टिस्टिक वे करना नो फिल्म पेश की, और दर्शकों का बहुत प्यार इन्हें मिले। तो मैं थोड़ी सारी की तरफ का, सारे दर्शकों की तरफ का, और सारे अपना डोगरी चैनल की तरफ का दिल की गहराइया कन्नै स्वागत करे करना सारी जम्मू दी शान, साढ़े जम्मू कश्मीर दी शान, बाकमाल अदाकार अभिनेता तनवीर डार हुंदा। तनवीर जी, तुंदा अपना डोगरी चैनल उपर मता मता स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, थोड़ा भी तो थोड़े चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिने दा तनवीर जी, ये साड़ा एक सुखना हा कि कदू तो अपना डोगरी चैनल दी स्क्रीन उपर सारे दर्शकें गी लभगे, और ए उस मालक दी साढ़े पर मेहर होई कि तुसें भी अपने बिजी शेड्यूल चा टाइम कढ़िया और तुस इत्थे विराजमान हो अज, और मैं दसी नहीं सकता शब्दें च कि मेरी खुशी दा कोई ठिकाना नहीं है कि अज अपना डोगरी चैनल दी ये स्क्रीन जेड़ी है एदा रुतबा काफी वधाई ओड़िया तुसें अपनी प्रेजेंस कन्नै। मैं गलबात दी शुरुआत थुआड़े कन्नै इस गल्ला पर करगा कि कला दे क्षेत्र बड़े विराट होंदे न, कोई चित्रकारी च है, कोई मूर्ति कला च है, कोई सिंगिंग च है, कोई म्यूजिक च है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। तनवीर डार हुंदा शौक एक्टिंग आले पासे गै की गया? डॉक्टर साहब, एक्टिंग जड़ी है सिखाई नहीं जाती, ना आदमी सीखी सकता, तो सब तो पहली गल है। ये कुदरती तो अंदर एक ना भगवान की तरफों, रब की तरफों, खुदा की तरफों होंगे कि कोई आदमी एक्टिंग की तरफ जाता, कोई म्यूजिक की तरफ जाता, कोई गेम्स की तरफ जाता, तो अपना अपना इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट जड़ा ही वो एक्टिंग के पास हाँ, स्कूल तो लेइए, कॉलेज तो लेइए, मैं जिथे जिथे भी गया मेरी ये कोशिश रही कि मैं हर जगह मतलब एक मौका तलाश करता हाँ कि मैं कुछ ना कुछ परफॉर्म करा, और उस तरह रब ने भी मौका दिता और अज मैं थोड़े सामने हाँ। क्या बात, तनवीर डार साहब, असें अज थुआढ़े कन्नै बड़ियां दिलियां गल्लां भी करनियां न। इ'यां ते अस थुआढ़े काफी चैनल्स उप्पर, न्यूज़पेपरां उप्पर थुआढ़े इंटरव्यूज भी पढ़ते रहने हैं, सुनते रहने हैं, सोशल मीडिया उप्पर काफी तुस आउंदे रहंदे हो, पर अज शायद असें किश ऐसियां गल्लां भी सोची दियां होन जिहड़ियां अज तक थुआढ़े कन्नै कुसै नहीं कीतियां होन। पर ओह्दे हां पहले, क्योंकि साढ़े दर्शक साढ़े कन्नै जुड़न लगी पे न इस वेले
30 दे करीब करीब दर्शक साढ़े कन्नै जुड़ी चुके दे, उन्होंने जल्दी कोला जल्दी साढ़े कन्नै जुड़ा कर दें। तो बड़ी फरमाइश ही साढ़े बड़े साथियों फोन करिए भी आखिया कि वो उनका जरा गीतियां का डायलॉग है वो असें पहले सुनना है, तो पहले थोड़ा एक डायलॉग सुनने थोड़े फुल मोशन विच और उदे बाद फिर गलबात का सिलसिला आगे बता दें। ठाकुर साहब डायलॉग तो खैर मैं तुम्हें तो सुनाई देगा। उन साड़ी नवी फिल्म आवा रही है एक जड़ी है जिद पर अस काम करा रहे हैं, उन उदे डायलॉग की बारी आई दी है। ये तो खैर इसी काफ़ी देर हुई है, फिर भी मैं उन्हें तुम्हें तो सुनाई होना। इदा एक डायलॉग बड़ा हिट होया कि रिवाल्वर दिया गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्नै खेडी दिया खेडा चेता करदियां गीटियां। क्या बात है, ये आवाज विच जेड़ा वजन है और जेड़ा थोड़ी मॉड्यूलेशन है, क्या बात है उसकी। और इथों का लगता है कि बहुत प्रैक्टिस बहुत रियाज तुसे अपनी जिंदगी च कीते दा है, क्योंकि ये दो शब्द जिस अंदाज विच और जिस टोन विच जिस पिच उपर जिनी वाइब्रेशन कन्नै और जिनी वैरायटी दिती है तुसे, इन्नी खरी लाइन बोलने च गए तो शायद उम्रां लगी जांदियां उन्नी सहज सरल और सीधा ढंगे कन्नै तुसें आवाज बनाई। नहीं तो अस लोग भी कदें कदें एक्टिंग करने हैं पर अस अपनी आवाज की थोड़ा चेंज कर लेने हैं, किस करने हैं ओरिजिनल चीज नहीं साड़ी ठाकुर अग्गे साहब, पिछे हो जाती। मैं ठाकुर साहब जिन्हें 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 लोकें स्टेज कीते दा ना थिएटर कीते दा हाँ जी हाँ जी उनेंगी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती। मैं हर कलाकार की आखना उन्हें थिएटर करना चाहिए, प्लेस करने चाहिए, वो काफ़ी एक एक्सरसाइज हो जाती है थोड़ी, एक बॉडी लैंग्वेज की भी होती है थोड़ी, एक आवाज़ की भी हो जाती है। स्क्रिप्ट बिल्कुल कियां पढ़ना, कियां याद करना, कियां डायलॉग देने, तुम जिसे काम करते हो तो बड़ी चीजा थोड़ी तुम सीखने का मौका मिलता। क्या बात, क्या अज काफी कुछ थोड़े कोला सीखने मिलना, तो असें पटारा खोलना है। सुदेश सुल्तानपुरी साहब भी थिएटर दे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे उधमपुर दे, ये साढ़े कन्नै जुड़े देन और आखा देन भाई जी स्वागत है, थोड़ा स्वागत करा कर देन। मैं एक बारी नाम ले लेना सारे दे, आफताब तांत्रे साहब लिखा कर दें तुसें की ग्रेट पर्सनैलिटी लव यू ब्रदर, शिरेन शाल ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ग्रेट एक्टर, बिल्कुल जी तुसें सच्ची गल आखी कि अस सारे इनके फैन हाँ। और मैं तो गीटियां सर को 3-4 बारी दिखी थिएटर, तोयब शाल सुदेश सुल्तानपुरी अहमद बसीम साहब साढ़े कन्नै जुड़े दिन, सुभाष चंद्र शर्मा जी बड़े अच्छे सोशल वर्कर और आर्टिस्टें की काफी बूस्ट कर देन, काफी उंदी हौसला अफजाई हमेशा कर देन। और मिकी फोन करी आखा दे कि जिस वेले भी वो मिकी रिमाइंड कराई उड़ियो जेले भी तनवीर सर आऊंगा तो मैं वो मिस नहीं करना है शो, मैं पूरा दिखना है। साढ़े कन्नै बड़ियां अच्छियां एक राइटर जम्मू कश्मीर दी कुसुम शर्मा अंतरा और जुड़ी रही और आखा दी बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल जी असें अजें इनके ज्ञान के पटारे अच खोलने हैं। वेलकम अपना डोगरी चैनल मोहन सिंह और थोड़ा वेलकम करा दें। अच्छा तनवीर दार साहब, सारा कोला सुनहरा अगर कोई दौर होंगे है जिंदगी का, तो आखिरी वो बचपन होंगे है, तो थोड़ा जहा हूँ फ्लैशबैक जन्ने हैं और सुनने हैं कि तनवीर दार और जो होश संभाली कैसा जागत हा, कोई शरारती हा या सेंसिटिव हा धीर गंभीर हा, तो अपना थोड़ा बचपन याद करिए सुनाओ, थोड़ा माता पिता के बारे च, थोड़ा भैनों भ्राओं के बारे च, थोड़ा जहा अपनी प्राइमरी स्कूलिंग के बारे च भी जरूर सुनाओ। ठाकुर साहब मेरी जी स्कूलिंग हुई है वो स्टार्ट दे विच वो रजौरी तो हुई है। मैं बेसिकली रजौरी तो बिलोंग करना डिस्ट्रिक्ट रजौरी तो, क्या बात, इन्नी रजौरी कन्नै प्यार भी बड़ा है, प्यार जम्मू कन्नै भी है, जम्मू कश्मीर कन्नै है, पूरी स्टेट कन्नै है। मेरे फादर पुलिस च है ते उन्हें पुलिस नौकरी की थी। जी मेरी मदर है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट च उन्होंने नौकरी की थी। ते शरारती बहुत हम है, इन्ना शरारती हाँ कि जिते जिते फादर की पोस्टिंग होंगी तो मैं अपने कन्ने ले जाते। मैं इन वो क्लासा नहीं समझ पढ़िया जाते जिन्हें हैं। जिन्हें मैं स्कूल चेंज किए थे। तो अच्छा एक दौर हाँ, एक टाइम हाँ। साढ़ा के शरारत करते हैं कोई, या शरारत मिगी याद करावा कोई, असें ही याद आवे। जरा टाइम हाँ, वो शरारत कुछ होर हिसाब की होंगी। अजकल तो बच्चे बड़े शाई हुई जन, बच्चे गल नहीं करते, अजकल मोबाइल पर लैपटॉप पर कंप्यूटर पर लगे थे सारे सारे बच्चे। साड़ी शरारतों की हाँ जी, के मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेना, डुप्लीकेट चाबी लाई देनी उसी,
ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਨ ਛੱਤਾਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਹਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪਰ ਅੱਛਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬੀ ਜਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਪੋ ਕੇ ਇਹ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਡਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਡਵਾਈ ਦਿਓ ਗੁੱਡੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਵਾਈ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦਾ ਕਦਾ ਥੋੜੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਚ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਵਸੀਮ, ਤਾਜ਼ੀਮ, ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੀਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਾਂ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਜ਼ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਲ ਲਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲ ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੁਸਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਲਈ ਆ ਕੁਦਾ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕੁਦਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਲੱਗੀ ਵੀ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਘਰ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੀਆ ਪੁੱਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਮਾਲਦੀਨ ਡਾਰ, ਉਹ MLA ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ, ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਨਾਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਬੈਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਟੀ ਆਖਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਕਿਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਦਰ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੁਦੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੁਦੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਟੁੱਟਕ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟਕ, ਅੱਛੀ ਹੋਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੁਰੀ ਹੋਗ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੂਰੀ ਉਮਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਔਰ ਏਜ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜਾਕੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ।
मैं स्कूलिंग रजौरी तो कीती, मैं स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई, ओह्दे बाद मैं जम्मू आई आ, जम्मू लुथरा अकैडमी पढ़िया, फिर मॉडल अकैडमी पढ़िया, ओह्दे बाद मैं रियासी चली गया, फादर की पोस्टिंग रियासी हुई तो मैं रियासी चली गया, फिर मेरे फादर की पोस्टिंग ओह्दे बाद पुंछ हुई, मैं पुंछ चली गया, तो इ मैं श्रीनगर भी गया, तो ओह्दे बाद मेरी MM कॉलेज तो मैं ग्रेजुएशन की, 12th मैं इतने स्कूल रणबीरा हाई सैकेंडरी स्कूल तो की, ओह्दे बाद मैं ग्रेजुएशन MM कॉलेज तो करने के बाद मैं MA दे विच एडमिशन लिया इतने जम्मू यूनिवर्सिटी के, जिसलिए मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिया तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, मैं एक पहला सेमेस्टर भी कंप्लीट किया, एंड सैकेंड सेमेस्टर के भी बॉम्बे तो कॉल आई कि भाई एक रोल है कुछ करना तो एक्सपीरियंस के, मैं जाना पाया और मैं गया, तो बस वो मेरी लास्ट। वो बाद मैं हाँ वो मैं एक कंप्यूटर कोर्स भी किया, नेशनल अपना NIIT तो किया कंप्यूटर कोर्स भी, डिप्लोमा किया कंप्यूटर के ऊपर, तो जिन्हें मैं चली गया बॉम्बे, उसके बाद मैं कम किया उत्थे, कम करी उसके बाद मैं वापस आया, फिर इतने आइए मैं अपना एक थिएटर ज्वाइन किया, मुश्ताक काग जी उनका थिएटर ज्वाइन किया, सुधीर महाजन होर ने उन्हें उनके कहने काम किया, विजय भारद्वाज साढ़े दोस्त होंगे ने उनका मैं उनके कहने में काम किया, थिएटर जिले में काफ़ी किया, नुक्कड़ नाटक किए, असें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप्स कीतियाँ, और बॉर्डर पर जाइए जाइए शोज किए, स्ट्रीट प्लेज किए, बाहर आउट ऑफ स्टेट जाइए काम किया, बड़े एक्टर ने काम किया, जो स्टेज के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार उसे सीखने का मौका मिले, और देखा कि किया काम करते हैं, किया परफॉर्म करते हैं, किया कंसंट्रेशन की होंगी है, तुम किस तरह एक रोल अडोप्ट करते हो और किस तरह उन्होंने परफॉर्म करते हो, तो हर कलाकार हर आर्टिस्ट को समझना चाहिए, जोड़े भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या जोड़े आइए हैं उन्होंने चाहिए कि मेहनत करना है, कोई ईजी काम नहीं है, एक्टिंग करना बड़ा एक जी, मैं तो आखना मैं हर जगह यही चीज़ आखना कि अज के दौर के लोग जिया अलग अलग फील्ड च होंगे, कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई कोई MBA करता, कोई पायलट बनता, कोई आर्मी भी जिंदा, इं कि ए भी फील्ड चुनो, इसी भी आखो कि मैं एक्टर बनना, ये नहीं है कि थोड़े को अगर कुछ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, घर वेले बैठे दे हो जा पुत्र जाइए एक्टर बनी है, वो नहीं होना चाहिए, क्या है ना, बात है, तो क्या बात है। एक अगर एक्टर बनना फिर उसी एक सिंगल माइंड कहने फोकस करो, उसी 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 समझो कि है एक अच्छे लोगों की संगत च रहो, उनके कन्ने सीखो, सीखिए फिर उसके बाद अगे उसी इं नहीं जाना, बगैर सीखे तो कुछ नहीं जाना, पहले सीखो, जिन्हें तुम्हें लगा कि ठीक है तो काबिल होइए जो फिर तुम जा सकते हो, पर बाकी किस्मत रही, मेहनत इंसान करे किस्मत रे साथ दे जाती है। चलो, थोड़ी एक्टिंग और एक्टिंग बच्चे जेका थोड़ी संघर्ष रहा, जेकी तुसें ओह्दे च जद्दोजहद कीती, असें स्पेशली ओह्दे पर गल्लबात थुआढ़े कन्नै करनी है। पर एक गल तुसें जरूर मैं भी पूछना चाहना, ते शायद थुआढ़े जेहड़े फैंस ओह भी पूछना चाहते, और शायद बड़े लोकें जेहदे बारे च पता गै नहीं होया ओह भी अज जानी लैन कि मैं भी एक आर्टिस्ट है छोटा मोटा, और जेकी साड़ी बरादरी है कलाकारें दी, ते मैं काफी लोकें जानना, बहुत घट लोग ऐसे होंगे कि तुस जियां तुस एक्टिंग च हो उत्थे भी तुस एक्सेल करा दे हो, अच्छा थोड़ी आउटपुट है और एक उभरिए तुस आवा दे हो सामने, लेकिन ओदा कन्ने कन्ने तुस एक ऑफिसर भी आओ, इस बेले डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, जी ये क्योंकि ओदा आस्ते एक इन्नी जड़ी बड़ी गस्टर्ड पोस्ट सामने उसी चलाना और उत्थे तक पुजना, ओदे आस्ते जड़ी एक अलग लाइन पकड़ना पौंदी है, और एक्टिंग दी एक अलग लाइन होंगी है, ये तुस कन्ने लेइए कियां कामयाब रहे सब चलाने आस्ते, एक ठाकुर थोड़ा साहब, जिहा मार्गदर्शन। ठाकुर साहब होंगे की है कि एक जो कलाकार होंगे ना, कलाकार आदमी जो होंगे ओहदे कन्ने सारे होंदे, उसी सारे ओहदा साथ देंदे, पर मैं इत्थे एज ए इनफॉर्मेशन ऑफिसर अज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड च काम करा दा, पर मेरा कोई इन्ना ज़्यादा काम नहीं होंदा उत्थे, बट जो भी होंदा असी टाइमली वो काम भी नाल नाल चला होंदा है, नाल अपना स्टेज शामी जिले स्टेज करते हो या कोई इस तरह का करते हो तो ऑफकोर्स वो शामी होंदा है, या तुसी ऑफिस टाइम दे विच तो होंदा कि नहीं है, और जो शेड्यूल शूटिंग का आता है तो फिर डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट को असं छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ शूट करना है, जिया गीटियां दौरान मैं परमिशन नहीं ले वो लिया तो ठीक है, मैं डिपार्टमेंट ये पूछा ना, मैं मेरा सवाल ये है कि उत्थे तक तुस कियां पुजिए, मतलब एक ऑफिसर दी कुर्सी तुसें, एक वो एक वो तुस बस मेहनत कुत्थे करदे रहे एक्चुअली ये है। नहीं, आफ्टर ऑल तुहाडी पढ़ाई तो काम आती ही है ना, मैं इन्दा भी नलायक नहीं है कि मैं मेरी जॉब नहीं लगी सका, तो पढ़ाई तो काम आती ही है, तो वो मैं बस इंटरव्यू देइए तो मेरी सिलेक्शन हुई, वो
क्या बात है सिलेक्शन सर। सिलेक्शन होने के बाद मेरे फिर पेरेंट्स ने आके ठीक है तो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद बस जॉब चला रहा। बड़ी बड़ी कोशिश की थी कि मैं जॉब छड़ा, लेकिन नहीं, मैं ना तो किसी ने ऐसा मौका मिल गया कि मैं जॉब छड़ी सका। घर ले भी आखिया कि नहीं रहूँ, अच्छे चला रहा, ठीक है चलो। तो अज से आपे थे उस जॉब के करने करने, उन से आपे थे काम करना शुरू कर दिया जम्मू के बीच। ठीक है यार, इंडस्ट्री अज कुछ भी है, अज तो जम्मू के बीच इंडस्ट्री, रीजनल इंडस्ट्री छड़ी है। डोगरी फिल्म बना दी, कश्मीरी बना दी, लद्दाखी बना दी, भद्रवाही भी बनी दी फिल्म, बड़े उधमपुरा भी कुछ लोग फिल्म बना रहे। क्या बात है आजकल कोई सर, इंडस्ट्री छोटी भी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं अगर दफ्तर जाना बहुत मैं फिल्म भी कम नहीं कर सकता, या मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ तो मैं दफ्तर नहीं जा सकता। आजकल तो दुनिया छोटी हुई है, यही तो निकल है शहर साड़ा, कोई ऐसा बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत नहीं करता। डार साहब, साढ़े कन्ने इस वेले काफी संख्या च दर्शक जुड़ी चुके दिन, हुन अस थोड़ा थोड़ा फिल्मी सफर उपर गल करगे, पर ओहदे कोला पहले सुभाष चंद्र शर्मा जी एक डायलॉग दी फरमाइश करा दे बड़े चिर दी। एक डायलॉग तुसें बोले दा जेहदे च पापू पापू शब्द दा तुसें इस्तेमाल कीते दा, और इंदा कोई फेवरेट डायलॉग है ते कोई याद करो। और केड़ा डायलॉग सुनना चाहते हैं ये दसी उड़न, मैं वो एक डायलॉग सुनाई उड़ना ओहदे च कोई आखदे पापू, मैं इंदा कमेंट स्प्लैश कराना कि लिखा डायलॉग जेहदे च पापू उदे च ये है वर्ड कि इस्तेमाल मैं कीते दा। एक मैं वो मारना उसी, मैं मुड़े लोहे दी राड कहने उसी मैं पैर दे ऊपर मारना, तो वो जो मुड़ा वो विलन वो डिगी मुड़ा थले, तो मैं उसी आखना कि ओए खरोड़े खा कर खरोड़े खरोड़े खाने के ने हड्डी मजबूत होती है। डायलॉग चलो वो हुन जी थोड़ी जेड़ा एक्टिंग दा सफर है ओहदा चाहुंदे आ, पहला जी ब्रेक तनवीर डार होरें कुत्थे मिलिया फिल्म दी गल पहला करचै। पहला ब्रेक जिसलै मैं स्टेज शुरू किया, मैं 96 की गल है, जिसलै मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप्स की है ना, उसके बाद मैं चली गया बॉम्बे। बॉम्बे मेरे को एक सीरियल है, स्वाभिमान सीरियल है, उसमें मैं ब्रेक लगा, महेश भट्ट का सीरियल है, उसमें मैं काम किया पहला। फिर वो काम करने के बाद मैं फिर वापस आया जम्मू। जम्मू आने के बाद फिर मेरा जॉब भी लगी है और शादी भी हो गई, मैरिज भी कर ली मैं, और ओहदे बाद बस स्टेज करता रहा, स्टेज पे ज्वाइन कर लिया, ओहदे कन्ने कन्ने कशर चैनल चली पिया, ओहदे कन्ने कन्ने साला जम्मू का दूरदर्शन चली पिया। छड़ छड़ जिन्नी भी रिहर्सल हुई है, अहें जिन्ना भी काम किया, जिन्ना भी सीखिया, वो असी इत्थे दूरदर्शन ने सिखाया। अज अस अगर जाइए बड़े पर्दे उपर काम करा दे हां, या बड़े बड़े आर्टिस्टा की बुला दे हां, या उनके कन्ने सामने खलोइए अस डायलॉग बोला दे हां, ते अगर साड़ी कोई वर्कशॉप रही दी है, वो साड़ा जम्मू रहे दा, साड़ा जम्मू का दूरदर्शन रहे दा, कशर चैनल रहे दा, साड़ा जम्मू का स्टेज रहे दा, जिंदे कन्नै मैं काम कीते दा, छड़े डायरेक्टर्स हो रहे। हुन सर गल करचै खास तौर उपर गीटियां दी, क्योंकि जी गीटियां एक मील पत्थर है साड़ी डोगरी सिनेमा दे इतिहास विच। उसे काफी मॉडर्नाइज टेक्निक्स ओह्दे च आंदियां, और फिल्म गी काफी कमर्शियल तरीके कन्नै बनाया जिहदे च कमर्शियलिज्म दे पहली बारी दर्शन होए। नहीं तां अस लोग फिल्मां उऐ दिखदे हे जिहदे च अस ज्यादा कल्चर गी जां ज्यादा ओका जेड़ा कि एक कमर्शियल सिनेमा जिसी अस नहीं आखी सकदे, वो शायद कंसेप्ट भी नहीं है कुसै कोल, तुसें आंदा। पर अस सुनना चाहगे कि ये गीटियां जेड़ी मूवी है एदी कियां सलाह बनी, कियां प्लानिंग होई, एदी थोड़ी विस्तार करने असें सुनाओ, और कियां तुसें डिसीजन लैता कि तुस इन्ना, क्योंकि एदे बड़ा पैसा लगदा है फिल्म बनाने च, तुस कियां तुसें डिसीजन लैता कि असें डोगरी च इसी करना है, कियां कास्टिंग कीती तुसें, और के अनुभव रहे थुआढ़े, और के चुनौतियां तुसें आईयां, और कियां उन्हें चुनौतियों को तुसें पार किया, थोड़ा विस्तार से गीटियां दी स्टोरी असें सुनाओ। ठाकुर साहब, जिस दौरान असें गीटियां का सोचा, उस वेले साढ़े इतने ना बॉलीवुड के बीच गैंगवार के उपर फिल्मा बना दी, काफ़ी फिल्मा बना दी। मेरे दोस्त जोड़े इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, राहुल राहुल शर्मा, राहुल शर्मा जी, राहुल शर्मा उनके कन्ने मैं गल की, तो अस बैठते बस ये शामिल गलबात होंगी होंगी ही, तो मैं उन्हें आख्या कि मैं ये फिल्म करने हैं, तो आख लगे यार मेरे को एक सब्जेक्ट है, मैं जल्दी उन्हें डिस्कस किया दो बेहिए, फिर साढ़े बड़े ब्रदर ही हैं, साढ़े साढ़े बड़े भ्रा राहुल हुंदे भी और मेरे भी अरुण शर्मा, असं उंदे कन्नै गल कीता। फिर ओह्दे बाद साढ़े जिहड़े मैं बद्राल साहब उंदे कन्नै गल कीती है, भरत साढ़ा जिहड़े कैमरामैन उंदे कन्नै गल कीती, फिर
फिर साड़ी जिहड़ी टीम है सारे मिलिए एक डिसाइड किया कि चलो गैंगवार दे ऊपर साढ़े 80s दे विच इत्थे एक गैंगवार रहा जम्मू दे विच जिहड़ा कि लोकें मतलब नहीं दिखे दा अज दे लोकें नहीं दिखे दा है लेकिन असें नहीं दिखे दा मैं दिखे दा तुसें भी दिखे दा होना। साडा एक दौर हा उसलै 80s दा 86 85 84 दे विच जिसलै उधर मिलिटेंसी आवा दी ही ते इत्थे गैंगवार कि गैंगवार चला दा ते उस गैंगवार की लेइए असें फिर एक राहुल होरें उधर बड़ी मेहनत की एक साल लाया उधर स्क्रिप्ट लिखने पर ते जिसलै स्क्रिप्ट लिखी ते साडा जिहड़ा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट असें उंदे कन्नै गल कीती उन्होंने केड़े केड़े गैंगस्टर ने केह् केह् कीता कियां कियां कीता फिर सारा कुछ ऑफिसर ने साडी बड़ी सपोर्ट कीती ते बस इस तरह एक दौर चलिया। और ओह्दे बाद फिर कास्टिक की गल आई पहले सब तो पहले जो हा कि असें आख्या कि ठीक है इतने एक इंडस्ट्री बननी चाहिए डोगरी एक साढ़े जम्मू के और असें कोशिश की पूरी डोगरी इंडस्ट्री बनाने की और अज भी कोशिश साड़ी पूरी जा रही है कि चलो फिल्म और बनाई जा चाहे डोगरी च गै बनाई जा लेकिन बनाई जा बड़े लोकल आर्टिस्ट लोकल कलाकार इन्हें ही टाइम जोड़ा अज नहीं मिले जो मौका नहीं मिले अज के टाइम के अस नहीं वो मौका देचे ये काम करी सकन असें लोकल मैक्सिमम लोकल आर्टिस्ट ले कुछ आर्टिस्ट हैं बाहरों ले कुछ साढ़े जो टेक्नीशियंस हैं कुछ वो असें बाहरों ले बाकी सारे साढ़े इतने दे अद्धे टेक्नीशियन इतने रहे साढ़े कैमरामैन भरत होर इतने रहे राहुल होर आपे इतने डायरेक्टर सिर्फ असें कास्टिंग और कुछ असें बाहरों किया जो फाइल डायरेक्टर हुई है जी बाकी हुई ये सब असें बाहरों अरेंज किए लेकिन साढ़े सब तो पहले कोशिश ही अस लोकल लोगों की अस चांस देचे वो किया भी है वो मुंडे ने गाना भी गाया है जो लोकल सुरेश चौहान हो गाना गाया मलीशा खट्टी ही हिंदरूशा तिखी ही सुरेश चौहान ने गाया गाना वो साढ़ा लोकल मुड़ा इतने का और बिल्कुल बिल्कुल ओह कन्नै कन्नै असें बाकी बाहर के सिंगर भी पकड़े जियां मास्टर सलीम हो रहे गाना गाया पीनी है साढ़े कन्नै वो साए दा के परवासा वो सुरेश वाडकर साहब ने गाया और जावेद अली साहब ने जावेद तुझे देखो तुझे चाहो हिंदी चाहो जावेद अली साहब ने गाया कमाल खान ने गाया भाव्या पंडित ने गाया लद्दाख ही गाना शुरू होया सारा तेरा मेरा मिलना हो सजना एक अजब करिश्मा है ते असें बाहर दे लोकें दे कन्नै कन्नै अपने लोकें ही नाल जोड़ियै चलाया ताकि साढ़े लोकें भी पता चले कि बालीवुड वाले कम कियां करदे ने ते बाहर आले भी पता लगे कि साढ़े इत्थे टैलेंट की कमी नहीं है कल तुस आओ ते इत्थे तुहाडा वेलकम हो पर साढ़े इत्थे जिहड़े आर्टिस्ट ने जिहड़े कलाकार ने तुहाडे सामने खड़े होना पैंदे ने। डार साहब खासकर कमर्शियल सिनेमा की जो गल आती है सारे को बड़ी एक दिक्कत जी शायद बॉलीवुड वाले इन्नी नहीं आती है पर अगर असें इतना काम करना हो तो फाइनेंस की आती है जी फिल्म क्योंकि अगर जिया म्यूजिक इंडस्ट्री है जो कोई एक गीत करना हों थिएटर करना हों तो जरूर अस ताई तुम तो करिए उसकी फाइनेंस करी सकने हैं पर एक फिल्म की फाइनेंस करने से एक दिक्कत जरूर रही है उदे बारे च तुस थोड़ा जा दसो कि क्या तुसी इदे च दिक्कत आई और तुसे कियां उसी ओवरकम किया। देखो फाइनेंस दे पहले ना तुसें कि तुहाडा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किश फिल्म लोग की करते हैं कि जियां तुसें एक आइडिया लिया एक फिल्म बनाने का ये राहुल और साढ़े राहुल शर्मा बड़े स्मार्ट हैं इस काम के हो सकता कि अगर कोई होर डायरेक्टर वो काम करता तो वो कास्ट डबल हो जाती साड़ी जी फिल्म का बजट हा या जी फिल्म बनी है वो इन्ने ज्यादा बजट की नहीं बनी क्योंकि असं इतने अपने घर शूट किया उसी अपने जम्मू शूट किया अपने आर्टिस्ट ले अपने कलाकार ले तो उसके भी साड़ा कोई इन्ना ज्यादा फाइनेंस ज्यादा इन्ना कोई नहीं रहा इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है पर फिर भी थोड़ा बहुत जो भी इन्वॉल्वमेंट रही है वो अगर तुसें पूरा यकीन है अपने सब्जेक्ट के उपर अपने अपने कॉन्टेंट के उपर तो अज भी अगर फिल्म बनाते हो तो उस फिल्म तो अं जरूर पैसा पूरा कर और अज तो तुम फिल्म बनाते हो जो साउथ की फिल्म इतने आवा दी साढ़े इतने चला दी देखते हैं इं सी जी असें फिल्म बनाई है गीतियाँ वो अज बार और लैंग्वेज भी चलनी है चाहे वह साउथ भी चला चाहे वह भोजपुरी चला चाहे वह हिंदी डब हुई है थोड़े सामने तो सब कुछ दिखे कुछ ना कुछ चैनल पर तुम लभी जा तो बिल्कुल बिल्कुल पैसा पूरा हो जाता और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो करना ही पौंदा और एक अगर जो मेकर है उसी पता होंगे कि मैं अगर पैसे ला दा मैं कि कुछ ला दा और मैं रिकवर कुछ करने अखा बंद करिए पैसे लाना बेवकूफी लाने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन मेरा इस गल्ले हा कि क्योंकि आज दी डेट च भी काफी लोग प्रयास करा दे साढ़े इत्थे भी पर शायद कुदे ना कुदे वो मैनेजमेंट जा वो विजन इन्ना साफ नहीं है या एक्सपीरियंस दी भी गल होंदी क्योंकि तुस ते काफी समय तुसा मुंबई च गुजारिया जी
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। साहब, ये ना साड़ी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कसूर है, एक बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट की कि उन्हें साड़ी इंडस्ट्री कभी इंडस्ट्री समझा गई नहीं है। इंडस्ट्री कितने बड़े चेहरे की बनी थी है, तो डोगरी बिच कदू फिल्म आई ही, गल्ला हुई बीतियां, क्योंकि मेरी सौ बाद मां नहीं मिलती या बाकी भी आई, सारी जीटियां भी आई, उसके बाद और भी फिल्म किलियां आई हैं, लोग तो काम करा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट पूरी चाहिए होंगी है कि वो थिएटरें अस फिल्म लाई सकते हैं। अस अगर कोई थिएटर वाले आखचे कि साड़ी फिल्म ला दो, वो आसानी कने लाई दो, ऐसा असं ही उनके पैर नहीं पकड़ने। अज तुम फिल्म तो बनाई लगी लेकिन चलानी कुत्थे, तुम चलनी के नहीं है फिल्म, लानी के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गल है। अमित चौधरी और अभी मैं पिछले दिन मुंबई गेदा हा, उत्थे मेरी मलाटी हुई अमित चौधरी हुंदे कन्नै, ते ये सेम गल दे गल उन्हें भी आखी ही इस चीज दी, नहीं, सरकार मामले की हिंदी। चाहिए ना जी, अज अज साहब ना थिएटर बने दा, स्टेज दे प्रोग्राम सारे तुहाडे उत्ते हुंदे ने, इस करिए अगर ये थिएटर दे विच अगर साड़ी फिल्म नहीं लगी सकदी, सरकार की चाहिए कि एक ऐसा थिएटर बनाया जाए जिथे एक नॉमिनल जे चार्जेस रखे जान, ताकि अस जिहड़ी फिल्म बना दे हां रीजनल लैंग्वेज की प्रमोट करने वास्ते, अगर डोगरी लैंग्वेज की प्रमोट करा दे हां या कश्मीरी प्रमोट होवा दी या भद्रवाही या फिर लद्दाखी प्रमोट होवा दी, गोजरी प्रमोट होवा दी है, वो अस उन्हें थिएटर च लाचे जिहड़े लोग देखना चाहते हैं, नॉमिनल दे चार्जेस रखिए, ताकि अस भी उहदी टिकट लाचे अपने पैसे रिकवर हो जाए, तो उसे सरकार जरा फैसिलिटेट करे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या फिर एक थिएटर की निकी ऐसी बड़ी, डायरेक्शन दी जाए, सारे थिएटर हैं उन्हें ऐसी सरकार डायरेक्शन दिया कि भाई तुम्हें इनका शो चलाना नहीं चलाना, या तो फिर वो सरकार यह कर ले, तो देखो कि सरकार के कर दी है इस तरह की स्ट्रेटजी, सरकार की बनती है, इसलिए तो अस चाहते हैं कि जो रीजनल इंडस्ट्री है ये सब्सिडी भी होगा, सरकार सब्सिडी दे असें कि अज साढ़े किन्ने लोकेशन साढ़िया इं पे अच्छ टूरिज्म डिपार्टमेंट के किन्ने जिते जिते देखो अच्छ जंगलें में किन्ने अच्छ बिल्डिंगा किन्ने वीरान हट पे साढ़े, उसे कमे भी नहीं है, कम से कम चलो उसे बंदा जाइए, नहीं चाहिए सरकार की कि असं वो इस तरीके की फैसिलिटीज दें, अस उ जाइए अपनी लोकेशन दिखिए अपना यूनिट की उत्थे ठहराचे, साढ़े खर्चे घट्ट हो ताकि फिल्म बनाचे, इंडस्ट्री कायम हो, इंडस्ट्री बना उभरी सामने आ। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत ही ज्ञान कन्नै भरोती दी गल्लां। और खास कर जिहड़े लोग फिल्म लाइन च हैन जां आउणा चाहुंदे, उंदे आस्तै काफी फायदेमंद थोड़ियां गल्लां होई सकदियां अगर उन्हें ध्यान कन्नै सुनगन ते समझगन। साढ़े कन्नै काफी लोग जुड़े दे, मैं एक बारी उंदे नां ले लैना। मैं माफी चाहगा कि अज मैं सारे दे कमेंट्स पढ़ी नहीं सकगा, तो टाइम बड़ा चली जांदा, पर मैं नां जरूर सारे दे लैगा। कीर्ति ठाकुर और नमस्कार तुसें आखा दियां, अतुल प्राशर, शिरीन शाल, रवि दत्ता, चंद्र, अशोक देओल और सारे कन्नै जुड़े दे, जे आर शर्मा जैक्सन और बड़े अच्छे डांसर न साढ़े जम्मू दे, ग्रेट हाँ बहुत हीरो आर्टिस्ट बहुत न, बहुत अच्छे बहुत इंसान, चले तनवीर तुसें आखा दे बड़े अच्छे इंसान। बिल्कुल जी, जी, तुसें आपे एक बड़े अच्छे थोड़ी, हैं जैक्सन, जैक्सन और आपे बहुत हाँ अच्छे इंसान, और असे बड़े इवेंट के बीच इकट्ठे असे कन्ने रहे हैं। क्या बात है, रोशन बराल और एक बड़े अच्छे राइटर न साढ़े अखनूर दे, लिखा दे तनवीर जी ते देवेंद्र ठाकुर जी दोनों की हाथ जोड़िए, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। एस एस ठाकुर, मोहन सिंह और सारे कन्नै जुड़े दे, रजिंदर और आखा दे गीटियां फिल्म च बड़ी शैल एक्टिंग कीती दी है तुसें, मोहन सिंह बिल्कुल और जी भी एदे बस च बड़ी कोई, सपोर्ट की थी असें, मोहन सिंह और बड़ी सपोर्ट की थी साढ़े फिल्म के गीतियां दे, और उन्हें काम भी किया साढ़े कन्ने, मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना, उन्हें बड़ी अनिल सपोर्ट की कुमार, थी। बिक्की जी, गारू राम जी, ये भी राम राम आखा देन, और ओम डोगरा नमस्कार आखा दे, राज सिंह, रफिया टाक, यू हैव अ ग्रेट पर्सपेक्टिव, रफिया टाक और आखा दिया, मोहन सिंह, सुषमा रानी, मुझे लगा मैं सारे कमेंट्स कोशिश की थी, अहमद वसीम और सारे कन्नै जुड़े देन, वो भी आखा दे नाइस। अच्छा, हूँ थोड़ा जहा गलबात का सिलसिला अस थोड़ा अगे बधाचे। एक गल ते तुसें बहुत अच्छी आखी और इस गल्ले च जिन्नी गहराई है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बोला दा है, थोड़ा अनुभव बोला दा है, तुसें अपने आप की समर्पित किता उस चीज आस्तै, और फिर ओदे रिजल्ट भी तुसें गी मिले, और एक मैसेज तुसें नमें जेहड़े फिल्म मेकर सन साढ़े खासकर जम्मू दे, एक मैसेज तुसें उन्हें जरूर दिता कि पहले कलैरिटी अपने माइंड च रखो कि तुस किस चीज उपर काम करा दे हो, तुसें केह् चीज बनानी है, ते फिर थोड़ी चीज कुत्थे मार्केट बिच तुसें लेइयै असी बेचना है, जां इस चीज कुत्थे जानी है, ताकि क्योंकि मैक्सिमम में दिखना चाहूंगा कि जेड़ा एक फिल्म बनांदा फिर
फिर वो दोबारा मुड़ियै उठी नहीं सकता और वो डिस्करेज हो जाता। ये चीज ते सर होंदी है, अगर ऐसी तुस भी मनते होगे। पर मिकी बड़ी खुशी होई कि जेल्लै मैं थोड़े मुंह दा सुनया कि तुस एक दूई फिल्म लेइयै भी आवा करदे हो। 2014 तुसें मेरे ख्याल पर ओ रिलीज कीती ही, और 7 साल तुसें गी भी लगी है दूई दूई फिल्म उपर काम, जेहड़ा तुसें शायद काम दे पहले दा करा दे होगे, पर दर्शकें दे हिसाबे कन्नै शायद ओ 7 साल दा थोड़ा इंतजार करा दे हे। की इन्ना वक्त लगी जांदा है? ठाकुर जी, पहले तो फिल्म दे बारे च सोचना एक बड़ी बड़ी गल है। तुस भी इस फील्ड तो हो, तुस भी एक कलाकार हो, तुसें पता है कि अज तुसें अगर एक फिल्म लिखनी है तो ओह्दे वास्ते तुसें टाइम चाहिए, तो ओह्दे बाद तुस ओह्दे बजटिंग दे बारे सोचते हो, ओह्दे फाइनेंसिस दे बारे सोचते हो, फिर ओह्दे बाद सब तो बड़ी दिक्कत यह है कि जिथे तुस रोवा दे हो, अज तुस जिस स्टेट विच रोवा दे हो, अगर ते तुस इत्थे फिल्म बना के बनाइए इत्थे चला दे हो, तो तुसें सब तो पहले सोचना कि मेरी रिकवरी कुत्थों हो। अगर तुसें पैसा रिकवर नहीं, तुस आपको आखा दे कि इतने लोग क्या करा देंगे, एक फिल्म बना दें उसके बाद उठी नहीं पा दे, तो वजह ओरी वजह यही है कि ये जब तक सरकार साड़ा साथ नहीं देगा इतनी इंडस्ट्री नहीं बन सकती। हूँ इसलिए सरकार ने भी पॉलिसी बनाई है कि भाई बॉलीवुड के एक्टर्स उनके सब्सिडी का कुछ प्लान करा दें, और उसके मैं सरकार की और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रिक्वेस्ट करना कि उन्हें की चाहिए कि सब तो पहले साढ़े जिहड़े इत्थे दे कलाकार ने, इत्थे दे आर्टिस्ट जिहड़े अज 10 साल तो इंडस्ट्री बंद पई दी है, जिहड़ी अज कशर चैनल नहीं चला दा है, जम्मू दूरदर्शन नहीं चला दा है, किश भी काम नहीं है, साढ़े टेक्नीशियन भुखे मारा दे, साढ़े जिहड़े मेकरस हन, जिहड़े प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्में बनाई दी, जिहड़े डायरेक्टर्स हन, जिहड़े कैमरामैन, जिहड़े लाइटमैन, जिहड़े स्पॉट बॉय हन, अज ओह कुत्थे के करा रहे, उनके बारे सोचना चाहिए। इतने सबसिडी का इतने प्लान करना चाहिए इन्हें, और इतने इन्हें इतने इन्हें सारे कन्नै मिलिए इतने साढ़े स्टेट के बारे, साढ़े रीजनल लैंग्वेज बारे सोचना चाहिए, ताकि इतने दोबारा इंडस्ट्री बनी पा, चली पा, और ताकि इतने अस इतने काम करिए तो बाहर के लोग भी इतने आ जाए और साढ़े लोगों की रोजगार मिले, इतने टूरिज्म डिवेलप हो, सब कुछ हो। बाकी बॉम्बे वाले तो काम किया, बॉम्बे वाले अज भी इन्हें पॉलिसी बनाई है, बॉम्बे वाले पहले भी आते रहे इतने, उन्हें कोई कोने रोकया उन्हें, या अज तक जड़े भी साढ़े स्टेट के हालात रहे, खराब स्टेट हुई या जिया भी हालात रहे, मिलिटेंसी रही, फिल्म वाले ही तो कुछ नहीं रोकया, सारी फिल्में बना दी इंडस्ट्री से पहले के बनी दी, इतने साड़ी रीजनल भी बनी दी तो बाहर के लोग भी आवा दे, लेकिन साढ़े रीजनल इंडस्ट्री वास्ते सरकार नहीं सोचा दी है। मैं फिर रिक्वेस्ट करना कि उन्हें चाहिए कि इतने लोग जो जिन्हें फिल्में बनाई दी, जो एक्सपीरियंसड लोग उन्हें बुलाइए, उनके कन्नै बैठिए, सलाह करिए, जो साढ़े बेहतर होगा वह एक इनिशिएटिव लिया जाए, एक स्टैप लिया जाए, ताकि साढ़े बंदे जिहड़े वेहले फिरा दे उन्हें रोजगार लग सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस गल्लै च अस भी 100% यानी 100% थुआढ़े कन्नै सहमत हाँ। और अपना डोगरी चैनल भी इयै रिक्वेस्ट जिहड़ी तनवीर डार होरें कीती, जिहड़े लोकल टैलेंट है जिहड़ा, ओहदे उप्पर वर्क करने की जरूरत है और ओहदी कोई कमी नहीं है। और वर्ड टू वर्ड जियां तनवीर होरें आखिया, अस बिल्कुल सहमत हाँ। और अगर साढ़े माननीय आदरणीय बंदनीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हुंदे कोल किसी भी माध्यम कन्नै अगर ये गल पुछदी है तो वो जरूर एदा पर विचार करन, क्योंकि इत्थे भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा जिहा उन्हें पुश अप करने, थोड़ा बूस्ट करने की जरूरत है। एक बारी चली पाऊंगा तो फिर उन्हें चली पाउना। साढ़े कन्नै सर मोहम्मद वासिक वासिक जुड़े दिन, अजहर रऊफ सुरे, अस्सलाम वालेकुम तुसी आखा दे, अनु अत्री याद, ये बहुत अच्छिया राइटर और एक ग्रुप है कलमकार द राइटर्स ग्रुप, ओदियां अध्यक्षा हैं। तो इंदा एक कमेंट है मैं जरूर लेना चाहगा सी कि न्यू यूथ जो एक्टिंग सीखना चाहती है या फिर काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? बिल्कुल जी, मैं आपको तुसी ये पूछने वाला, और इन्हें पहले के सुनाया भी लिए थोड़ा, जी, उनके लिए सबसे पहला मैसेज, क्या नाम नाम क्या बताया तुझे, क्या ना दस्या अंदर अनु अनु अत्री याद, एक कलमकार दा अनुत्री राइटर्स ग्रुप एक जी संस्था है, साहित्य जी संस्था है, ओदियां अध्यक्षा ने। अनु जी, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनको सबसे पहले तब तक वो जंप ना करें जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेनिंग ना ले लें,
क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे कलाकार जो बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जब वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, ड्रग्स की पकड़ लेते हैं, या किसी और तरफ चले जाते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन लेके आ जाते हैं। तो इसको एक बड़े प्रॉपर, एक हेल्दी तरीके से, एक पॉजिटिव वे से इस चीज को लिया जाए, एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जाए कि मुझे यही करना है, और ट्रेनिंग लेके। आज बहुत सारे कोर्सेज हैं, सबसे पहले स्टडीज कंप्लीट करो आप अपनी, उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, जो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोर्सेज कर सकते हो, FTI में जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, 50ों जगह हैं, 50ों थिएटर्स हैं, रेपेट्रीज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, और अपना आपका सिस्टम भी चलेगा, जिससे आपका आपका किचन भी चलेगा। और साथ में आज दिल्ली के आर्टिस्ट क्या करते हैं रेपेट्रीज में, आज उनको पे भी होता है, आज जाके 4 घंटे 5 घंटे वो प्लेस करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, और उनको पे भी किया जाता है। तो आप इस तरीके के कोर्सेज कीजिए, उसके बाद जब आपको लगे कि पूरा ट्रेंड हो गए हो, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद, और आप अच्छे तरीके से फिर इसमें जंप कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि आप इमिजिएटली आप अच्छे दिखने में बहुत सुंदर होंगे, या कोई भी बच्चा सुंदर होगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। आजकल वो चीज़ खत्म हो गई है कि जो खूबसूरती कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक्टिंग और एक जो आप अपने काम के प्रति कितना फोकस्ड हैं, कितना कितना आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए उसका। अनु अत्री याद और लिखा दिया इनके, बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आई एग्री बिल्कुल जी। ए क्योंकि अनु जी ए इन द एक्सपीरियंस इन द अनुभव बोला दा है, और शायद इन्हें भी अपनी जिंदगी च कुछ टाइम कुछ गलतियां कीतियां होनी जिहड़ी इंसान गी कुदै ठोकर लगदी है, तो उसी फिर आस्ता आस्ता समझ आउंदी है कि चीज इयां नहीं इयां होंदी है। तो थोड़ा जिहा साढ़े कन्नै कोई अनुभव तुस अपना शेयर करना चाहो अगर, कि जित्थे तुसें गी एक अच्छी सिख लगी, शिक्षा मिली, कि जियां तुस पैह्लें उसी चीज गी किश होर समझा दे हे, कि अस लोग फिल्म च डॉक्टर जंदे साहब, तो सोचदे। जिसले जिसले मैं एक ना फिल्म कीती ही बॉम्बे दे विच, मुकेश शर्मा ओहदे प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर है, रुसलान फिल्म ही, मैं इत्थों गया हा जिले फिल्म करने वास्ते बॉम्बे। ते मैं जिले वो इन्ना बड़ा सेटअप हा फिल्म दा, फीचर फिल्म दा सेटअप बड़ा बड़ा होंदा, अस इत्थे सील करते रहे, उसले सील करते हैं, और मैं अंदाजा ते आया हा कि इन्ना बड़ा सेटअप होगा, लेकिन उत्थे जाइए मैं मतलब इन्ना बड़ा सेटअप नहीं लगभग, मैं इन्ना एक्सपेक्ट नहीं हा कितने का। ठीक है, एक एक्सपीरियंस है, उत्थे जाइए, असें जिले में शॉट हा मेरा जिले पहला, ते वो कैमरा ट्रॉली दे ऊपर जिले पैन हुई मेरे कोल आया, जिले क्लैप बजी मेरे ऊपर, जिले वो कर दिन के एक्शन, ते 5 सेकंड इससे मैं ब्लैंक हुई है टोटली, मी किश नहीं लबा था, टोटली अच्छा ब्लैंक हुई है, और मी कुछ मेरे भी अपना डायलॉग चेता नहीं आ रहा कि डायलॉग है मेरा, मैं बोलना के है, और कुछ कैमरा का फॉल्ट होया, कुछ ट्राली हिली, क्यों होया कि उन्हें कट कर उड़िया। मैं कहा ठीक है कि कट करो इसे, नहीं प्रॉपर आएगा ना, ठीक है, असं बोलने वास्ते कि सेकंड चाहिए होंगे पहले, दो चार दो एक सेकंड चाहिए होंगे, उन्हें बच के उन्हें कट कर उड़िया, तो मैं उसे पूछने का मौका कि नहीं मिले। मैं उठिए फिर चली गया मेकअप रूम के बैठा, 5 मिनट मुंह धोता, पानी पीता, और अपने आप ही कंट्रोल किया कि ठीक है हो जा। ये चीज़ें इंसान सीखता है, जिसने तो थोड़ा जा भी अपने फोकस को, अपने जो थोड़ा टारगेट है, थोड़ा फोकस थोड़ा जा भी अटक ना, तुसी बड़ी परेशानी का सामना करना पो। तो चलो मैं संभाल लिया किया, बट ये है कि मैं इसी जड़ी जनरेशन साड़ी अज दी है ना, जब तक अपने फोकस पर क्लियर नहीं है, उनका फोकस क्लियर नहीं है, तो वो अपने मकसद के विच अपने आप की फील्ड में कामयाब हो सकते। थोड़ा अपना फोकस, अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए जो तुम्हें करना है, फिर ओद्दे बाद किश भी हो जाए तुम्हें उत्थों हटना नहीं। क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये बहुत गै एक और उपयोगी गल सारे वास्तै, और एक तुसें अपना एक्सपीरियंस शुरू शेयर किया। सुदेश सुल्तानपुरी साढ़े कन्नै जुड़े दे, आखदे न साढ़े जम्मू च कलाकार बिरादरी भी एक नहीं है, बक बक धड़े बनी गए न, सारे बकरी बकरी सोच रखदे न, लेग पुलिंग मती है, एक सोच लई है कदू सामने आई जांगन। चलो ये ते एक पार्ट ऑफ द गेम होंदा है, क्योंकि सोच सारे दी मिली भी नहीं सकदी, कुसै ठाकुर साहब, पर कुसै भी आर्टिस्ट और कुसै भी कलाकार का ग्रुप नहीं होना चाहिए। जिसलिए तुम ग्रुप बाजी कर गए ना, तो तुसें गी इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल तुसें बिल्कुल सारे कने काम करना, जड़ा अच्छा काम है तो उसी वेलकम करो, ओदे कने काम करो, जड़ा अच्छी गल करा तो पसंद आवा दी उस ओदे कने रहो। जिसलिए तुसे ग्रुप विच बनिए बेही अगे ना, तो तुसें गी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
जोड़ा जा आखा जाए। मिगी लगदा कि सुदेश सुल्तानपुरी होरें गी एक अच्छा जेड़ा जवाब मिली गया होना, और ओह्दे नाल सैटिस्फाई भी जरूर होए होने कि बिल्कुल इहदे च ग्रुपिज्म जां लॉबीइज्म जेड़ा आ ओह नहीं होना चाहिए। और मैं भी सहमत हाँ डार साहब कन्नै। चलो अस थोड़ा जिहा सिलसिला अगे बधाने क्योंकि उस हुण अपने काम दे अपने टैलेंट तुहाडे च होना चाहिए, तुस अपने काम दे पक्के होने चाहिए, काम तुहाडे घर आग आगमन क्या जी बात काम करो। क्या बात। तो जे तुसें अच्छा लॉबी एक बनानी है, जे तुसें ग्रुपिज्म करना है, ग्रुप बनाइए ते उत्थे गल्लां करनी है, ते फिर तुसें इन चीजें दा सामना करना पौग। मैं इस चीज पर एग्री नहीं करता। एक्टिंग विच जेकी एक सारे कोला बड़ी चीज जेदी साधना होंदी है जिसी आज लोग आखदे हैं जिसी अस आम भाषा च अजकल जां थोड़ी जेडी इंडस्ट्री दी भाषा ओहदे च मैनरिज्म आखदे हैं। एक है और एक कियां इस चीज दे उपर अपने आप गी उतारिया जाई सकदा है, थोड़ा मैनरिज्म दे बारे च थोड़ा जिहा असें ज्ञान दियो। मैं कोई भी करैक्टर तुस जिसले एक लैंदे हो या कोई भी करैक्टर की तुस अडॉप्ट करदे हो ते तुसें एक मैनरिज्म पकड़ना पौंदा है। जी हुण मैं अगर इंस्पेक्टर दा रोल करगा तो मैं एक ऐसा मैनरिज्म करगा जो मैं दिखगा कि पहले इंस्पेक्टर दा रोल कुन्ने कुन्ने कीते दा, किहड़े किहड़े बंदे कीते दा, किवें किवें कीते दा, मैं की कर सकना, मेरी परसनैलिटी की सूट करदा। जिसले मैं गीतिया दा रोल कीता ते मैं एक वो बदमाश बनया जिहड़ा लवर भी है, हा एक फैमिली वाला भी है, हा और एक शरीफ भी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है उहदे च, लेकिन वो बदमाश भी है, वो गैंगस्टर भी है। हुण उहदे विच मैं क्या करगा, उहदे च ये करना मैं इत्थे कट लाई उड़ना हाँ, मत्था पट्टी पुट्टी लाई उड़नी है, कुछ करी उड़ना ना। तुहाडा एक तुसीं जो तुहाडी परसनैलिटी तुसीं इन्ना पता होना चाहिए कि तुहाडी परसनैलिटी की किहड़ा करैक्टर जिहड़ा तुहाडी सूट करग, तुसीं किहड़ा मैनरिज्म पकड़ गए ते वो तुहाडे परसनैलिटी कन्नै जाग सूट कर। इन्ना इन्ना सेंस एक आर्टिस्ट की होंगी है, वो चीजें तुसें ना स्टेज सिखाता है। जिसे तुम स्टेज पर 10 किस्म के किरदार करते हो, बुढ़े का भी कर गए, तुम चोर का भी कर गए, तुम पुलिस का भी कर गए, तुम डाकू का भी कर गए, ऑटोमेटिकली जिसे पब्लिक और जिसे ऑडियंस तुसें एप्रीशिएट करेगा ना कि भाई तेरा यार वो किरदार हा तू बहुत वधिया किया। जिवें लोग आखते हैं तू गीटियां च रोल किया या तू फला जगह सीरियल च रोल किया, तेरा बहुत वधिया। मी पता कि अज तक मेरे किन्ने लोगों ने किन्ना मी एप्रीशिएट किया, किहड़े किहड़े करैक्टर वास्ते, किहड़े किहड़े रोल वास्ते मी एप्रीशिएट किया, ऑटोमेटिकली तो ही पता लगी जाएगा। तो एक्सपीरियंस बाकी मैटर करता है, वो जो भी है जी जी तुम बढ़ते जाएंगे तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो काम करते जाएंगे। क्या बात है तनवीर जी, अस इं दिखते रहने जियां एग्जाम्पल लैने कि जियां आमिर खान होरें लैने जी, कोई जेल्लै वो फिल्म करदे न तो काफी ओह्दे कोला पहले 6 महीने तक जां साल तक वो अपने आप गी उस्सै माहौल च उस्सै करैक्टर बिल्कुल दे इर्द गिर्द करते लेई हैं आउंदे न। आर्टिस्ट, बिल्कुल करते हैं, और हुंदा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी जगह मैं सर ये देखिया कि फिल्म अस देखने हैं, बड़ी जगह बड़ी बड़ी एक्टर भी जिया तुसे मैनरिज्म की गल की, वो शायद अद्धी फिल्म चो किश और जैसी वो पर्सनैलिटी उनकी लगती है, अद्धी फिल्म बाद वो आपू गै उसकी वो ग्रिप उनकी उधर टूटी जाती है, किश लगता कि हुण वो किश चेंजिंग आई है। आम दर्शक की उस चीज़ का पता नहीं लगता, उस चीज इन्ना का पता लगता कि मजा नहीं आवा दा, के घटना बिच घटी वो है। एदे पर थोड़े बारे च जियां अस जानना चाहगे कि वो ग्रिप बनी दी गर्व है उदे आस्ते किन्नी नहीं उहदे प्रैक्टिस दी उहदे जरूरत विच है। जिहड़ा प्रैक्टिस आर्टिस्ट दा भी उहदे च रोल हुंदा है, लेकिन उहदे कोला पहले एक स्क्रिप्ट, पावरफुल स्क्रिप्ट होना जरूरी हुंदी है, और स्क्रिप्ट कोला भी पावरफुल तुहाडा जिहड़ा जिहड़ा एक स्क्रीन प्ले हुंदा ना, वो बड़ा एक प्रॉपर और एक बड़ा एक बैकबोन हुंदी है पूरी कड़े च ना, पूरी फिल्म दी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट। फिर उहदे बाद आंदा मेकर, डायरेक्टर किस तरीके दे नाल करा दा, कियां करा दा। ये चीजें अगर सही होन तो ये मौका नहीं है कदे इस तरह का नहीं आता कि कदे हम जिन्नी भी अच्छी फिल्म आज देखो तुम अज अज भी कि फिल्मों का नाम मैं तुम्हें दसा बहुत अच्छी और बहुत अज भी बार बार देखने का मन करा रहा। वो मेकर का भी तो रोल है ना, डायरेक्टर का भी रोल है, वो एक राइटर का भी रोल है, वो गाने सिंग जड़े थे सिंगर्स उन्होंने का भी रोल है। क्या ये बात है, कल बिल्कुल किसी पर तुम सही। ब्लेम नहीं कर सकते कि एक आर्टिस्ट की वजह एक एक्टर की वजह फिल्म फ्लॉप हुआ है, ओवरऑल एक सारे दिन इन्वॉल्वमेंट मतलब ये टीम वर्क है थोड़ा, अपना टीम मतलब वर्क, टीम वर्क। पूरी टीम अगर अच्छी चला दी होगी और टीम का कैप्टन अच्छा काम करा रहा होगा
अच्छा, टीम का कैप्टन तो फिर डायरेक्टर की क्या समझते हो मेरे हिसाब से? ऑफ कोर्स डायरेक्टर, डायरेक्टर ही कैप्टन है टीम। अच्छा, एक मैं और सवाल थोड़े कन्ने पूछना चाहगा। सवाल के या मेरी गल है और शायद मेरी एक जिज्ञासा भी है कि बड़े सारे लोग थोड़े कन्ने जेल्लै तो शूट करते हो, फिल्म बनाते हो, बड़े सारे लोग थोड़े कन्ने बैक स्टेज होते हैं जेल्लै कदम कैमरे ऊपर नहीं आते, शायद उनके स्क्रीन ऊपर ना आई जाते, प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड बाई, डायरेक्टर बाई, कोरियोग्राफर जो भी है, राइटर का स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग्स जो भी, एक्शन आई आगे स्टंटमैन जेरे उनका फिर भी आई दा, पर एक थोड़े कन्नै ऐसी टीम भी होंगी या स्पॉट स्पॉट बॉयज थोड़े कन्नै जेरे लोग रुट्टी बना करदे न, रुट्टी खिला करदे न, क्योंकि निक्की भी एक दो बार मौका लगे इं सैट उपर रौहने का, मैं बॉम्बे बिच जंदा रौहना, तो कई बार कोशिश होंदी कि थोड़ा उंदे बिच रिया जा उन्हें लोकें, तो मैं दिखना कि वो लोग बहुत मेहनत करा दे होंगे कन्नो कन्नी, वो पानी पिलाने वाले जेड़ा मतलब को पूरा, एक तो मैं देखे टेंट तो पूरा सिलाई मशीन लेइए बैठे हो कन्नो कन्नी के फिटिंग करा दे कोई ड्रेस किश होगा, वो लोग जेड़े थोड़े कन्नै जुड़े दे होंगे उनके कन्नै थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उन्हें किस नजर कन्नै तो तुम दिखते हो और थोड़ी उन्हें कैसी डीलिंग रही है? सब तो पहले जेल्ले अस शामी सेट क्लोज करते हैं, सब तो पहले उन्हें लोकें मिलिए असं आना जाने आज सारे ही मिलते हैं। सब तो पहले अस उन्हें लोकें मिलते हैं। अज मेरा तो जरा मैं अपना तुसें दसा कि मैं स्पॉट बॉय लेइए कुको कोलों लेइए हर बंदे ही मैं मिलना, और मिलना भी चाहिए क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि साढ़े बैकबोन ने लोग साढ़े कन्ने 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 तुसें तुस सेट के उपर शूट करा दे होंगे तो प्यास लगती है, पानी आख दो बेचारा दौड़ता होता स्पॉट बॉय लो सर पानी, अगर टच करने वैसे मेकअप वैसे आ गए जी मेकअप तो टच करने वैसे टचिंग करने वैसे फटाफट मेकअप वाला आ गया टचिंग करना शुरू करी चाय चाय वाला भी दौड़ी आ, उन्होंने एक बड़ा बड़ा रोल है इस नाल 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 जो है सारे कन्ने उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते उन लोगों। बाकी उन असें जो भी शूट किया जिन्हें भी लोगों काम किया उनका प्रॉपर वो असें ना दिता, चाहे वह फिल्म हो चाहे वह सीरियल हो चाहे कुछ भी हो, स्टेज तो अस ना बोलते आए बैक स्टेज में फलाह काम करा फला म्यूजिक पर काम करा था फला लाइटिंग पर काम करा था फला ये काम किया सारा। अच्छा, एक मैं थोड़े को थोड़े थोड़ी सोच जानना चाहगा कि तुस तो अपनी ईमानदारी कन्नै तुस तो हर एक गल बड़ी दिले कन्नै सुना दे हो, इसी भी दिले कन्नै सुनायो कि जम्मू कश्मीर च जियां बॉम्बे च फिल्म सिटी है, उत्थे अलग अलग फिल्में दे सेट बने दे होंदे, सीरियल दे सेट बने दे होंदे, और किस सेट्स उत्थे मैं दिखे पिछले 10 10 साल दे मतलब के बने दे, उधर काम चला दा है, इयै दही कोई फिल्म सिटी दा साढ़े जम्मू च या जम्मू कश्मीर च तुस केह स्कोप दिखते हो? उपर आए दिन साढ़े जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी देन है, तो उस कश्मीर के बच्चे तो साढ़े जम्मू प्रोविंस के भद्रवाह के बच्चे डोडा के बच्चे साढ़े कश्मीर के कुछ एरिया लद्दाख के बच्चे तो जो जिथे भी जागे जिथे भी फ्रेम खोलगे तुम्हें प्रॉपर शूटिंग का फ्रेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इतने कोई इन्ना कोई बंजर एरिया नहीं है, कोई ऐसा कोई उजड़े का एरिया नहीं है, तो अपने आप के बच्चे के जोड़ा एक है उपर वाले की एक देन है साढ़े वास्ते कि जेड़े अज बाहरों लोग आवा दे शूट कर रहे हैं अस इतने जेड़े आखते हैं कि श्रीनगर साढ़ा स्विट्जरलैंड है, अच्छा साड़ी जी जम्मू प्रोविंस की उसे देखो पीर की गली देखो तुम तो अच्छे पुंछ के कुछ एरियाज देखो भद्रवाह देखो तो उसमें मिनी स्विट्जरलैंड लगा भद्रवाह, बिल्कुल ये सब चीज़ा है ना। और मैं तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करना सरकार के कि चीज़ा की जी है कि इतने एक स्टूडियो बकायदा बनाए जाए स्टूडियो बना के ताकि जो लोग बाहर आवा दें तो कम करने वास्ते इतने के कम करन इतने एडिटिंग करन इतने के डबिंग करन इतने के टेक जो जिन्नी भी साढ़े जोड़े ने काम जो करा दें बेचारे स्पॉट बॉय काम करा दें लाइट मैन काम करा इतने लोगों की रोजगार मिला। मैं पहले भी यू चीज़ अर्थ सरकार की चाहिए पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत रोजगार मिल सकता है सारे इलाके च इस उद्योग कन्नै, और सारे गी काम मिल सकता है, और अगर जियां तनवीर डार और आखा दे कि इस चीज दे उपर अगर फोकस किया जा, शायद आने वाले 15 जां 10 15 साल च एक अच्छी फ्लोरिश करी आ साड़ी जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री भी, और इयै साड़ी कामना भी है डार साहब। हुन साड़ा आस्ता आस्ता वक्त समाप्ति की तरफ है, मैं एक बारी ना ले लेना, कम से कम
400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਖੋਈ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਮਸਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਆਂ ਫਲੋ ਕਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਨ ਮਨ ਚਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਸੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਮੇਟਣਾ ਮੇਰੇ ਬਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਡੁੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪਕੜਦਾ 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 ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਵੀ ਲੈਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸ਼ੋਅਸ, ਔਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਅਜਰ ਰੋਫ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ, ਤਨਵੀਰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਯੂਅਰ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ये कयूमदार ਮੇਰੀ साहब जो आपने ਤਰਫ नाम लिया, ये मेरे फादर हैं कयूमदार साहब जिनका आपने नाम लिया है, ये मेरे डैडी ओहो, और हैं। तो दोनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम है, सलाम है, आदाब है, हम आपके बच्चे हैं और बहुत हम प्राउड है हमें तनवीर डार जी पे, वो हमारी शान है हमारे जम्मू कश्मीर की, और आज और भी हम प्रसन्न इसलिए हैं कि वो हमारा अपना डोगरी चैनल पर इस समय मौजूद है, यहाँ पे आए हुए हैं और साढ़े कन्नै डोगरी च गल्ला करा दे, असीं और भी बड़ा अच्छा लगा था, अरशद मीर और साढ़े कन्नै जुड़े दे, और मैं एक बारी माता मेरे पिता तो मित्र उन्होंने आखगा कि उसका एक हीरा पैदा किते दा और तराशी तराशी है उसी कोहिनूर बनाए दा है, और अज पूरी दुनिया जेहड़ी है उन्हें दिख रही है स्क्रीन उपर, गीटियां फिल्म की गल गै करो तो मैं दिखा था कि काफी देशों च तुसें जाइए इसे रिलीज किया, सिर्फ इंडिया च गै नहीं बाहर भी तुसें इसे रिलीज किया, मुबारक है, सल्यूट है, राफिया टायक, अरशद मीर, अशोक हंस, एक साढ़े बड़े अच्छे फोक आर्टिस्ट हैं, मिलियंस विच इनके फॉलोअर्स हैं अशोक हंस होंगे, ये भी अज इतने साढ़े कन्नै जुड़े देन और तुसी मुबारक दिया कर दे, अशोक हंस जी थोड़ा थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और तुस भी साड़ी शान और डुगर दी, अरशद मीर, कीर्ति ठाकुर और ये मेरी छोटी सिस्टर न, और ये आखा दी बड़ा अच्छा मैसेज तुसे दिता, तो मैं सारे साथियों की आखगा ऐसिया मूर्तियां, ऐसे लीजेंस, ऐसे व्यक्तित्व बहुत घट होंगे न, और बड़ा घट होंगे है कि जिस वेला वो उन्हें टाइम लगता है रूबरू होने का, और उदा कोला बड़े घट मौके होंगे जिस वेला अपनी कोई दिले की गल आखते हैं, तो ये शो जेड़ा है सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि ये एक मैसेज है साढ़े यूथ आस्ते, साढ़े आने वाली पीढ़ियां आस्ते, साढ़े एक्टर्स लोग आस्ते, खासकर जो फिल्म लाइन च थिएटर च अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके काफ़ी प्यारिया प्यारिया गल्लां, इस गल जिन्ना हो सकता है शेयर करो ताकि ज्यादा कोला ज्यादा लोगों तक इंदा अनुभव इंदा एक्सपीरियंस पुजे और वो भी इदा लाभ ले सकन, सुभाष चंद्र शर्मा और आखिर लव टू सी एक्टिंग ऑफ डार साहेब एंड देवेंद्र ठाकुर इन न्यू मे बी नहीं जी ए सुभाष जी अजय अस उन्ना अपने आप की काबिल नहीं समझते कि अस इंदे कन्नै कुदै एक्टिंग करचै, पर ये जरूर है कि मैं इंदी जरूर फिल्म करके जल्दी काम आवे और कराने अस एक जो है दर्शक जरूर। दा रूप च उत्थे जाना पसंद करगे और पूरा सीटियां बजाई बजाइए देखिए, ये साड़ा पूरा वायदा है अब्दुल कयूम डार साहब। अच्छा हुण सर किश एक दो गल लास्ट थोड़े कोला पुछनी है कि अगर डार साहब की एक टिकट मिले चंद्रमा उपर जाने आस्तै ते केड़ा एक आदमी है, एक एक टिकट और वो दो बंदे कैपेसिटी हुए उसी अपने कन्ना लेना पसंद करके, 4 दिन का टूर माता हो, क्या माता पिता के मेरे बात फादर क्या बात डायरेक्टर। क्या बात है क्या बात। अच्छा अगर हॉलीवुड च मौका मिले तो कुछ एक्टर की अपना को एक्टर तुस बनाना चाहगे? टॉम क्रूज क्या बात है, मेरे फेवरेट हैं। अच्छा तुस ते बड़े दे फेवरेट हो, हेलो सर आवाज आवा रही है?
लगता है कि थोड़ा संपर्क उनके कन्नै कटोया, तो ये सारे कन्नै जुड़े दे हे। तनवीर डार साहब जबरदस्त एक्टर, कई फिल्में च इन्हें काम किया, कई सीरियलें में इन्हें काम किया, थिएटर च इन्हें कमाल किया, और उसके बाद नुक्कड़ नाटक भी इन्हें किए, और डोगरी फिल्म जिहड़ी इन्हें गीटियां बनाई तो एक इतिहास इन्हें रचिया। तुसे सारे जने फिल्म दिखी थिएटर च, मैं भी दिखी, मैं दो त्रै बारी दिखी। अज इन्हें अपने एक्सपीरियंस साढ़े कन्नै शेयर किए, और तुसे देखिया कि वो एक गस्टड ऑफिसर भी हैं, उत्थे भी अपना काम संभाल दे, और फिर किन्नी मेहनत शिद्दत कन्नै सेवा करा कर दे, और अपनी डोगरी दी काफी सेवा जेड़ी है करा कर दे। अस थोड़ा जहा इंदा इंतजार कर लेने हैं, शायद सारे कन्नै दोबारा जुड़ने की कोशिश करन। मैं तां तक सारे का थोड़ा शुक्रिया अदा कर लेना। अब्दुल कयूम डार लिखा देन, ही इज माई लाइफ लाइन, इंदे पिता और अब्दुल कयूम डार साहब, बहुत बहुत मुबारक है आपको कि मैंने बोला कि हीरा आपने पैदा किया और उनको तराश कर आपने कोहिनूर किया, और आज वो हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, और हमें खुद उन पे बहुत गर्व है, प्राउड है कि वो हमारे जम्मू से हैं। महेंद्र सुमबड़िया राजपूत अखदे बढ़िया, देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाइस सर राजू विजयपुरिया साहब साढ़े कन्नै जुड़े दिन, बहुत अच्छे कलाकार, हमारे जम्मू के बहुत अच्छे एक्टर। प्रणाम जी, बिल्कुल जी, साढ़े जम्मू के बड़े अच्छे एक्टर न। उदे बाद साढ़े कन्नै महेंद्र सुमबड़िया और आखा दे, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सारी कोशिश रहती है कि अस अच्छे को अच्छे लोगों ही थोड़े कन्नै मिलाचे। असें उनके कन्नै किश गल्लां होर भी करनिया ही हैं, पर यह है कि उनका संपर्क विच त्रुटि आए। अस एक मिनट दो मिनट उनका इंतजार करने, अगर वो दोबारा आई जाते हैं तो अस उनके कोला क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर लेंगे, अगर वो नहीं आते हैं तां भी उन्हें काफ़ी जड़ियां गल्लां करी चुके दे साढ़े कन्नै, वो भी काफ़ी न। फिर अस उंदे कन्नै गै असें गी संतोष करना पाओ, क्योंकि टेक्निकली किस जिस बेल्लै कोई प्रॉब्लम आई जाती है तो फिर कई बार वो साढ़े हत्थे च भी नहीं रहा, तो अस उंदा इंतजार करा करने हैं। राजू विजयपुरिया आखा दे, दविंदर सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजू विजयपुरिया साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुम बहुत हौसला बढ़ाते हो, और मैं सारे गी आखना कि शेयर जरूर करो, अपनी वाल ऊपर शेयर करो, जिन्ने ग्रुप्स में तुम जुड़े दे हो सारे शेयर करो, और ये बहुत बड़ी सेवा है। और शायद डार साहब आइए, इंतजार जिहड़ा खत्म होया। बिल्कुल जी सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो आज मेरे मैं बिजी रहा थे, फोन चार्ज नहीं था तो कुछ ऑफ अच्छा हो गया बैटरी। चली कोई जी गल नहीं, असें थोड़ी अबसेंस विच सारे कन्नै गपशप लगने का मौका थोड़ी है, और मैं सारे ही आखदा कि मिगी पूरा विश्वास है कि डार साहब वापस आऊंगन। लेकिन साड़ी ऑडियंस इन्नी थोड़े कन्नै जुड़ी दी कि कोई भी जेड़ा है वो छुड़ी गया नहीं है, हर 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 थोड़ा जेड़ा दर्शक है थोड़ा इंतजार विच है। अब्दुल कयूम डार हुंदा फिर एक मैसेज आया हा, उन्हें आखिया हा कि साड़ी ये लाइफ लाइन, बिल्कुल उन्होंने गलबात हुई काफी। राजू विजयपुरिया जी साढ़े कन्नै जुड़े दिन, बहुत इस वेल्ले टॉप क्लास डिवोशनल सिंगर ने साढ़े जम्मू कश्मीर दे, और मैं तुसें इंदे बारे च दसी उड़ा कि महीने दे 30 दिन होंदे ना, इंदे महीने दे 30 दिनों च 35 प्रोग्राम होंदे, मतलब इन्ने बुक अरे करवाउंदे ने। अरे अरे, वाह वाह, क्या बात क्या बात। तो ये थोड़े लिए आखा दिन, हमारे जम्मू के बहुत अच्छे एक्टर हैं। प्रणाम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रोशन बराल जी साढ़े कन्नै जुड़े दे, और जुल्फकार भट्ट जी। अच्छा मैं तुसे पूछा था कि तुस बड़े दे फेवरेट हो, थोड़ा फेवरेट एक्टर कौन है? डिप्लोमेटिक आंसर नहीं बड़े होना चाहिए। नहीं, मैं बड़ा दिलीप साहब जो दुनिया ही नहीं रहे हैं, मैं उनके कोला उनकी फिल्में देखी दिखी है,
सिखिया। संजीव कुमार साहब जो दुनिया नहीं रहे, मैं उनका से बड़ा कुछ उनकी फिल्में देखी है। मैं सारी जगह आखना कि जिन्हें अगर एक्टिंग सीखनी है ना हिंदी या फिल्मा दिखी लो, तो चार चार पांच पांच उस एक्टर बनी जाके, इन्ने बड़े क्या कलाकार नो। नसीर साहब बहुत अच्छे एक्टर, अज हिंदी फिल्मा दिखो नसीर साहब दी, फारूक शेख साहब दी फिल्मा दिखो पुरानी, ते सारे इन्हों को किस ना किस तुम लगभग किस ना किस तो सीखने का मौका मिलेगा। हर कलाकार को किस ना किस मैनरिज्म की गल करा दे है ना, इन्हें ही दिखी दिखी तुम्हें पता लग गया कि मैनरिज्म कि करेक्टर का मैनरिज्म ये पकड़ना चाहिए। डार साहब, तो उस काफी एक्टर्स कने मिले भी है वो बॉलीवुड दे जेडे मैं गल कर गया। सारे कोला ज्यादा आनंद मजा कोदे कने मिली आया तुसें, इयां पॉजिटिविटी महसूस होई? एक्टर में सारे कने मिले, मैं सलमान खान कने मिले, शाहरुख खान कने मिले, अमिताभ बच्चन साहब कने मिलने का मौका तो नहीं मिले, बट आमने सामने दिखे उन्हें। मैं अपनी फिल्म दे विच दी, मैं अपनी फिल्म की गल करा कि साढ़े फिल्म के जो बाहरों कलाकार आए, यशपाल शर्मा और आए, जिले वो हरियाणवी हरियाणा के रहने वाले, जिसले उन्हें सक्रिप्ट पढ़िया और डोगरी दे विच परफॉर्म किया, जड़ा जबरदस्त आनंद काम और किया। जितना मजा नहीं, वो आया कि यार कलाकार की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कलाकार हर लैंग्वेज बोली सकता है, बस शर्त है कि उदी उदा फोकस क्लियर होना चाहिए, वो अपने काम के प्रति पूरा ईमानदारी करने चला होना चाहिए। और बहुत प्यारा काम किया यशपाल जी ने, मैं बड़ा किसी ना सीखने का मौका मिले, हाले भी कई बार गल होंगी उन्हें, गणेश यादव और आए उन्हें भी सीखने का बड़ा मौका मिले, बहुत अच्छा। फिर मैं उन्हें रुसलान फिल्म भी की थी गणेश यादव उन्हें, एक्सपीरियंस आस्ता आस्ता फिर पूरी जिंदगी इंसान सीखता। क्या बात, क्या बात है, बड़ा मजा आवाज़ा गल्ला करने का। और सब तो बड़ी गल जड़ी है, मीडिया मेरी स्क्रीन दे जो मेरे गुरु सूरी साहब, विजय सूरी साहब, मैं उनका नाम नहीं ले सकया, मैं माफी चाहना, और इस दुनिया च नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया, सूरी साहब बहुत कुछ सीखा मैं उनके को। अज जड़ी डायलॉग डिलीवरी है, अज जड़ी अस स्क्रिप्ट दे पर काम करने हैं, मैं सारा सूरी साहब ने दस्सिया यहाँ काम करना चाहिए, मैं उनके को बहुत सीखा, और वो मैं बच्चा समझते हैं अपना, और बच्चे अगर ट्रीट करते हैं तो साढ़े क्या स्टेट बात दे है, साढ़े बहुत बड़े कलाकार, मैं बयान नहीं कर सकता कि किन्ने बड़े एक्टर है कि किन्ने बड़े कलाकार है। क्या बात है। चलो जी, सूरी साहब की साड़ा भी और पूरी अपना डोगरी चैनल की पूरी टीम की तरफ का प्रणाम है। डार साहब, कोई ऐसी गल जिड़ी तुस इस मंच उपर आखना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर साढ़े कन्नै डोगरा ऑडियंस के जुड़ी दी है, तो जेडी गल मैं थोड़े कने नहीं कीती हुआ जां पूछी हुआ है, थोड़े दिले बस च हुआ है, कोई आखना चाहते हो तो जरूर आखो। मैं सारे की यही रिक्वेस्ट करना कि जिन्हें बच्चे जिन्नी नवी जनरेशन है, ये सारे अपने पेरेंट्स दे कन्ने बोन, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके कन्ने बितान और उनकी इज्जत करन, और अज बच्चे नहीं बोंदे हैं अपने पेरेंट्स के कन्ने, नहीं बैठते हैं, कोशिश करते हैं पेरेंट्स बुलाते हैं पर नहीं। अज साढ़े बच्चे इंटरनेट के उपर, मोबाइल के उपर और फोन के उपर इन्ने बिजी हुई हैं कि अगर प्यो कोल भी बैठे होगा तो उसे पता नहीं होगा कि मेरा प्यो मेरे कन्ने बैठा है, मेरी माँ मेरे कन्ने बैठी है। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना कि ये चीज़ें अपने को दूर करो, इनके कुछ इश नहीं है, और जो अपने बच्चे ने उनके पर चेक रखो, वो देखो क्या करा देन, अगर कोई नेट यूज करा था तो क्या करा था, वो कोई गलत फायदा तो नहीं लगा था, निके निके बच्चे ने मोबाइल दे पेरेंट्स ने दे उड़े था, और क्या दिखा देन, अज तुम यूट्यूब का कोई एक साइड खोलो, खोलते 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 तुम्हें पता नहीं कुछ पुजी जाना, और अज निके निके बच्चे अज असें वो चीजें सिखा देन जड़ियां असें की कॉलेज भी नहीं पता नहीं है। तो मैं पेरेंट्स सारे पेरेंट्स ही आखना कि बच्चे पर चेक रखो, रिक्वेस्ट करना कि उनके पर नजर रखो, और देखो कि थोड़ी औलाद थोड़े बच्चे कुछ गलत पासे तो नहीं जाते, तो बाकी बहुत बच्चे का सुंदर साथ है, दो, अगर बच्चा एक शौक है बच्चे का, बच्चा एक काम करना चाहता जबरदस्ती करने उसी किश नहीं कराओ, अगर वो इस फील्ड च आना चाहता उसकी सपोर्ट बनो, उदा सहारा बनो, उसकी लाठी बनो, ताकि वो अगे अपना कामयाब हो सका। कुछ लोग नहीं चाहते कि बच्चे जान, जबरदस्ती तो सोची बच्चे की किश कराओ, या जबरदस्ती आखो कि तू नहीं ये नहीं ये कर, जो बच्चे का इंटरेस्ट है बच्चे ये कराओ, बच्चे आखो ठीक है जो तेरे तेरी इच्छा है अच्छा तेरे करने है, उसे एक बूस्ट दो, उसे एक सपोर्ट करो, मॉरल बूस्ट करो उसे, ताकि बच्चा फुली बन सके, और माँ प्यो की भी खुशी हो, कल बच्चा को पूछे कल माँ प्यो तो भी ना हो।
सुंदर, बहुत सुंदर मैसेज है। और कुत ना कुत मेरे दिले की ये चीज लगी कि साढ़े भी बच्चे अजकल सर मोबाइल छोड़ दे नहीं है, ते कोई पता नहीं है कि वो के दिखा दे, क्योंकि किन्ने चेर आदमी बेच सकता उसे। पर तो सही आखा दे कि माँ प्यो की इतने जिम्मेदारी बहुत बढ़ी गई है। एक डायलॉग की भी फरमाइश हवा कर दी है सर, लेकिन हूँ असें आस्ता आस्ता समेटना भी है। हाँ, एक चीज थोड़े को जरूर पूछ के कि अपना डोगरी चैनल दी जड़ी ये प्रयास है निका जहा कोई, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े मंच दे एक कलाकार हो, ये कोई थोड़े आस्ते मंच नहीं है, पर यह है कि तुम इतने आए उस वजह करने काफी लोगों तक अस एक गल पजाने आस्ते कामयाब होए। वो सारा सौभाग्य है कि तुम इतने आए और इस मंच की शोभा जरूर बधी हो। इत्थे जिया तुसे नाम लेता हा सुरेश चौहान हुंदा, वो भी आई चुके दे इहदे खास मराठी प्रोग्राम च, साढ़े साहित्य अकैडमी दे विनर जिहड़े प्रकाश प्रेमी जी वो इहदे च आई चुके दे, प्रेमी जट साहब जिहड़े दिखो मिकी तांग सजने दी उन्हें भी आई है इस मंच की काफी शोभायमान कीते दा, और काफी नवीन पंजाबी जी काफी अच्छे अच्छे जिहड़े सरस भारती इस वेले काफी अच्छी साड़ी डोगरी फोक च कम करा दियां, काफी फॉलोअर्स होंगे अशोक हंस जी सारे चाह चुके दे। पर एक्टिंग दे फील्ड दी कोई इन्नी बड़ी हस्ती अजे तक इतने नहीं आई दी, अज पहली बारी ऐसा होया है कि एक अभिनय क्षेत्र दी एक इन्नी बड़ी मूर्ति इस मंच उपर आई और मंच की चार चैनल लगे। हूँ अस थोड़े को सुनना चाहिए कि तुसी ये प्रयास अपना डोगरी चैनल का एक खास मलाटी तुसें कैसा लगा? अपना डोगरी चैनल दी बड़ी बड़ी बधाई देना इन्हें कि जिस तरह प्रयास जरा इनिशिएटिव तुम लवा दे हो कलाकारें गी अपने इत्थे इस चैनल पर लियाने दा, और एक अपने कुसा ना कुसा तरीके कन्नै तुस मी आखा दे कि जिल्लै इस चैनल पर आना ते असें बैटर है कि अस डोगरी च गल करचै, कि जे तुसें इक तुस भी एक प्रयास करा दे हो अपनी डोगरी लैंग्वेज गी प्रमोट करने दा। और जियां अस लग्गे दे कि चलो इत्थे एक इंडस्ट्री कायम होई जाए, एक लैंग्वेज प्रमोट होई जाए, इस तरह तुस भी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके दे नाल अपना एक प्रयास भी जारी हो। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना थोड़े कन्नै न, जिसलै भी तुसें मेरी जरूरत होग, जदों भी मेरी जरूरत होग, जिस तरीके नाल भी जरूरत होग तुसें मी दस्सियो, मैं हाजिर हाँ हर तरीके दे नाल हाजिर हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये थोड़ी गल सुनी है साढ़े डोगरी च कहावत है कि छज्जा इन्ना कालजा होई गया सच सही है ना, जो थोड़ी भी गल सुनी है साढ़ा छज्जा इन्ना कालजा होई गया। और एक उन लास्ट मैसेज थोड़े फैंस आस्ते लेना चाहिए थोड़े कोला, और फिर राजू विजयपुरिया जी जेडे कि एक महान गायक इसलिए साढ़े यंग गायक न, वो बार बार फरमाइश करा दे कि कोई डायलॉग सुनाओ थोड़ी नवी फिल्म का, कोई अच्छा जहा डायलॉग सुनने हैं, उदे बाद थोड़ा आखिरी कमेंट लगी थोड़े फैंस वास्ते जिहड़े थोड़े प्यार करते हैं और जिहड़े अज इत्थे सैकड़े की तादाद में जुड़े दे रहे, तो सुने ही किन्ना प्यार करते हो वो थोड़े कोला जरूर सुनना चाहिए। पर उदे कोला पहले मैं सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करी लैंना, क्योंकि सारे अज बहुत शेयर भी बड़ा किया और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उस शो की कामयाब बनाया, और साढ़े आस्तै एक एक दर्शक साढ़ा जिगर का टुकड़ा है, असी बहुत प्यारा आया साढ़े कन्नै, वो जिसलै जुड़ते हैं तो साढ़ा बड़ा हौसला बढ़ता है। और फिर अज का प्रोग्राम एक बहुत रूहानी प्रोग्राम रहा, क्योंकि तनवीर डार साहब ने भी बड़िया दिले दिया गल्लां कीतियां खोली खोली है, और थोड़ा सारे का भी जेका रिस्पोंस था वो भी बड़ा प्यारा हा, तो मैं थोड़े सारे की हाथ जोड़ी है थोड़ा शुक्रिया अदा करना, इं तुम अपना डोगरी चैनल कन्नै जुड़े दे रहो, अस कोई और हस्ती एक दिन छुड़ी एक दिन साढ़ा प्रोग्राम होंदा है, अज 9 तरीक है, 11 तरीक एक और हस्ती मोस्ट प्रोबेबली कि अस समाज सेवा दे क्षेत्र चा शायद कुसी अंश है चांस बना देन, हो सकदा बलवंत सिंह मनकोटिया जी या कोई और, अजे पक्का डिस्क्लोज नहीं करी सकदे, वो आंगन अस फिर गलबात करगे उंदा कोला, उंदे कन्नै गलबात करगे, पर अज दा जेहड़ा ये शो चला करदा है अज तनवीर डार और इत्थे मौजूद न, और असें बहुत चीजा उंदे कोला पुछियां और बड़ा मन भी रही है, बड़ियां गल्लां सर रही जेकियां है ही हैं, पर समय दियां किश पाबंदियां होंदियां, तो आखिरी कमेंट अस थोड़े कोला लैगे थोड़े दर्शक आस्तै थोड़े प्रशंसक आस्तै जेडे थोड़े कन्नै बहुत प्यार करते उन्हें केह् आखना चाहिए तुस?
बस इ'यां प्यार करदे रहो, अपना प्यार कायम रखो, ते रब अग्गे मेरे लिए प्रार्थना करदे रहो कि मैं इस तरह इस तरीके दियां फिल्मां या इस तरीके दा कोई ना कोई प्रोग्राम लेई मैं तुहाड़े अग्गे आवां, या अपनी फिल्मां लेई कुछ ना कुछ तरीके नाल मैं तुहाड़े अग्गे आवां। और मैं मेरा होने नंबर वाली फिल्म तुसी दी भी थोड़ी जी जानकारी देई के छोड़ो। साड़ी एक फिल्म आवा दी है, उसी अस ना हुण वैब सीरीज दे विच कन्वर्ट करा दे हां अपनी फिल्म गी, ते उहदे पर कम करा दे हां। रब ने चाहे ते इस साल फिल्म किस ना किस तुसी दिखने दा मौका जरूर मिलेगा उस फिल्म। कोशिश करा दें कि साल हो गया कि कोविड ने बड़ा परेशान कर उड़िया, कोविड इन्ना हो गया कि 2 साल तक कुछ भी नहीं होया, सारे अपने अपने घरें बंद हुई है। और मैं सारे की आगा कि अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, जान बचन पे सब कुछ है। बाकी अपने मेरा नंबर थोड़े को है, अगर कोई भी आदमी एक्टिंग दे फील्ड दे रिलेटेड या किसी भी अगर इस काबिल समझते हो कि मैं कुछ तुसें दसी सकना या मैं कुछ काम थोड़े आई सकना, मेरा नंबर शेयर कर लियो कि मैं कुछ गाइड कर सकना, तो मैं जरूर करगा। ना जरा कोई भी तुसें अप्रोच करा है मेरे बारे आखा है, उसे मेरा नंबर शेयर करो और मैं जो भी मेरे किश हो सकूँ मैं हाजिर। तो मिगी लगदा है कि थुआढ़े प्रशंसक जेड़े न तुसें चाहने आह्ले थुआढ़ी गल सुनिए होर भी प्रसन्न होई होने, और थुआढ़ी एक फिल्म वेब सीरीज दे रूप च आवा दी ए एक होर खुशी आली गल है साढ़े आस्ते। तो डार साहब तुसें अपना कीमती कोला कीमती समय कढ़िया, तुस अपना डोगरी दे चैनल दे स्टूडियो पर आए, तुसें इन्नियां प्यारियां गल्लां कीतियां और तुसें डोगरी च गल्लां कीतियां, मिठियां मिठियां गल्लां कीतियां और बड़ियां ज्ञान कन्नै भरी भरोची दियां गल्लां कीतियां जिनेंगी शायद अस कई अरसे तक भुल्ली नहीं सकगे, वो साढ़े दिलै च कायम रहूंगन और कोशिश करके कि अस उंदे पर अमल भी करचै। तो एक जेड़ा डायलाग दी फरमाइश है वो लास्ट च तुस पूरी करी उड़ो और ओह्दे कन्नै गै अज दा एह कार्यक्रम अस समाप्त करगे। पर डायलॉग तुस केड़ी फिल्म दा सुनना चाहुंदे हो? जरा जेहड़ी आवा दी है ओहदा सुनना चाहुंदे हो, जेहड़ी हुई दी ओहदा सुनना पवे? ये चलो नमी आले अगे सुनाई उड़ो मेरे बाबूजी की एक टैग लाइन है, लिबास और जुबान की पकड़ इंसान को बड़ा व्यापारी बनाती है। व्यापारी बनना चाहता था, तस्कर कहलाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े कोल शब्द नहीं है कि अस किन्ने शब्दों ने थोड़ा शुक्रिया अदा करते। बहुत अच्छा लगे आज, बहुत आनंद आया और मौका मिले तो अस फिर तुसें गी दोबारा खेचल जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुगर जय डुगर।